दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ ऑडिटिंग एडीपी पार्ट 2। इससे पहले हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं जिब्रान रशीद एंड होप यू ऑल आर इन द गुड ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ ऑडिटिंग एडीपी पार्ट 2। इससे पहले हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसकी फीचर्स, सॉल्वर स्टैच्युटरी रिपोर्ट और प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। तो ये चौथा लेक्चर है आपका फाइनल रिपोर्ट का। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? फाइनल रिपोर्ट के पहले बारे में थोड़ा सा सुन लें। द वर्क डन बाय द ऑडिटर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द रिपोर्ट दैट हैज बीन जनरेटेड बाय द ऑडिटर आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ हिज वर्क। काम को मुकम्मल होने के बाद ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाता है वो रिपोर्ट कहलाती है फाइनल रिपोर्ट। याद रखिएगा, ये हमेशा काम के खत्म होने के बाद ही होगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट फीचर ये, इट शुड ऑलवेज बी एट द एंड ऑफ एवरी वर्क डन। और ये हर एजीएम में, इट इज मैंडेटरी फॉर एनी कंपनी इन इट्स एजीएम टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट दैट हैज बीन साइंड बाय द ऑडिटर। दैट रिपोर्ट इज नोन एज फाइनल रिपोर्ट और फाइनल ऑडिट। और ये शेयर होल्डर की मीटिंग में आपको लाजमी दिखानी होती है। इसकी दो काइंड होती है, एक अनक्वालिफाइड होती है और एक क्वालिफाइड होती है। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है भाई? और क्वालिफाइड हम नहीं, पहले टाइप्स पढ़ चुके हैं, वैसे हम फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट वो ऑडिट रिपोर्ट होती है जिसमें ऑडिटर जो है वो फुली सेटिस्फाइड होता है रिगार्डिंग द करेक्टनेस एंड फेयरनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। व्हेन ऑडिटर इज फुली सेटिस्फाइड अबाउट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो कंपनी को एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। एंड व्हेन ऑडिटर हैव सम ऑब्जेक्शंस सम लिमिटेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो एक ऑब्जेक्शन राइज करता है, तब वो एक रिपोर्ट बनाता है, वो क्वालिफाइड होती है। एक और इसकी टाइप भी होती है, नॉर्मली हम लोग इनको दो में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन एक और होती है एडवर्स या नेगेटिव रिपोर्ट। जब ऑडिटर फुली एज अ होल ही डिससेटिस्फाइड होता है ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो वो एडवर्स रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, उसको नेगेटिव रिपोर्ट कहते हैं। अनक्वालिफाइड को पॉजिटिव रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, क्लीन रिपोर्ट भी कहते हैं। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लीन रिपोर्ट की या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की। यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी, आई हैव अ सॉर थ्रोट बेसिकली, इसलिए। डेफिनेशन ऑफ अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, एन ऑडिट रिपोर्ट विच कंटेन्स नो रिजर्वेशंस और ऑब्जेक्शन इज कॉल्ड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? बहुत सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है इसकी। एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो रिगार्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट रिगार्डिंग द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। व्हेन ऑडिटर इज फुली सेटिस्फाइड देन ऑडिटर विल इशू अ रिपोर्ट दैट विल स्टेट एज अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड का मतलब ये है कि ऑडिटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट या सर्कमस्टांसिस ऑफ अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे ऑडिटर को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होगा, ठीक। पहला पॉइंट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 255 सब सेक्शन 3 में ये बात स्टेट है। क्या बात है? कंटेंट्स ऑडिट रिपोर्ट के, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के। और जो पहला कंटेंट है वो ये है, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेंड। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तब डिक्लेयर की जाती है जब ऑडिटर ये इंश्योर कर दे या ये सर्टिफाई कर दे कि उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन आई है, तमाम एक्सप्लेनेशन आई है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीज उसकी जान बचाएगी कल, वो है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। यानी ऑडिटर ये लिखेगा कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आई है, और ये इन्फॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी मेरे मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ऑडिटर्स हो गए या लॉयर्स हो गए,
ये हमेशा बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं ताकि कल अगर कभी उन पे कोई केस वगैरह आ जाए या उन पे कोई बात आ जाए तो ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज से खुद को डॉज कर लेते हैं, बचा लेते हैं ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज की वजह से। बहुत स्पेसिफिक वर्डिंग वो लोग यूज नहीं करते क्योंकि स्पेसिफिक में फिर वो लोग पकड़े जाते हैं, अगर कल कभी कोई मसला हो जाए, क्लेम करना पड़ जाए तो वो बात उनके अगेंस्ट चली जाती है। इसलिए वो बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जिसमें उनके लिए मार्जिन हो निकलने का या बात को मोल्ड करने का। ठीक है, हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर ये डिक्लेयर करता है कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई किया है और जो कंपनीज ऑर्डिनेंस ने रिक्वायरमेंट मांगी थी बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन ये बिजनेस उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऑर्डिनेंस। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनी की, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को कंपाइल कर रही है, वो उसको फॉलो कर रही है और उसके अगेंस्ट नहीं है, उसको फॉलो करते हुए उनके रूल्स के मुताबिक जिस तरह ऑर्डिनेंस में बताया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने बुक्स ऑफ अकाउंट वैसे ही बनाई है। सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्रीड विद दी अकाउंट्स। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तभी लिखेगा ऑडिटर जब उसको ये यकीन होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री कर रही है और साथ साथ वो ये भी इंश्योर करेगा कि जो पॉलिसीज थी रिगार्डिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट वो भी प्रॉपरली पूरी हुई है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ये डिक्लेयर करेगा कि बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस किए गए ड्यूरिंग द ईयर वॉज इंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन डन इज इन द फुल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के फायदे के लिए किया गया है, यानी कि ऑडिटर ये बताएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये कंपनी जो एक्सपेंस हुए हैं बुक्स में वो सारे रिलेट कर रहे थे किसके साथ, बिजनेस के साथ। सही है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर मीटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव। अगला पॉइंट है वो इस एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग ऑब्जेक्टिव, ये पुराने वाले पॉइंट से थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं। वो इस तरह कि इसमें पहले हमने ये कहा कि ऑडिटर इंश्योर करेगा कि तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस के लिए हुए हैं, अब अगले पॉइंट में वो ये भी इंश्योर करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट की थी हमने या जो एक्सपेंसेस किए थे उसके अगेंस्ट आपको कोई होप थी ना कि मैं ये चीज इतने की बेचूंगा तो इसके अगेंस्ट मुझे ये चीज मिलेगी, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की उसके अगेंस्ट कंपनी को वाकई ही प्रॉफिट भी हुआ या इन्वेस्टमेंट जो थी वो कंपनी के लिए फ्रूटफुल थी, जो एक्सपेंस किया कंपनी के लिए वो उसके लिए बेनिफिशियल था। तो ऑडिटर ये इंश्योर करता है, वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट तभी लिखेगा जब उसको ये पता हो कि कंपनी ने फलाने का इन्वेस्टमेंट की और उससे कंपनी को अच्छा खासा फायदा भी हुआ, तभी कंपनी जो है कंपनी का जो ऑडिटर है वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेगा। ऐसा नहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उससे आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो ना हो तो उसका फायदा नहीं है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर पॉइंट। ऑडिटर जो है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तब सबमिट करेगा जब उसको ये इत्मीनान हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की और जो कंपनी के अफेयर्स हैं फाइनेंशियल पोजीशन जो है, पहली बात तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखा रही है, दूसरी जो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनी की वो ट्रूली एंड फेयरली ड्राफ्ट की गई है। सही है, दोबारा बता रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कंपनी का के अफेयर्स का, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है और दूसरी बात जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही दिखाई गई है। सही है, डिडक्शंस ऑफ ज़कात। अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जो है वो ओपिनियन में ये जाहिर करता है कि ज़कात जो है वो पहले ही एट सोर्स जो है वो डिडक्ट हो गई है अंडर द ज़कात ऑर्डिनेंस 1980 और वो डिपॉजिट भी करवा दी गई है, जमा भी करवा दी हमने सेंट्रल ज़कात फंड में, यानी कि जब कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट पे के मुताबिक ज़कात पे कर दे और पहले ही डिडक्ट करके
और ज़कात ऑर्डिनेंस के तहत जो ज़कात फंड है उस पर वो ट्रांसफ़र कर दें, तो ऑडिटर तब ऑडिट रिपोर्ट को वो ड्राफ्ट करेगा। सही है भाई, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जब ऑडिटर बुक्स एंड फेयर बुक्स की करेक्टनेस और फेयरनेस के बारे में सेटिस्फाइड होगा विद नो ऑब्जेक्शन, तो वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेगा। दूसरी, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी उसको, बुक्स ऑफ अकाउंट जब प्रॉपरली बनी होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक होंगी और अकाउंट से एग्री कर रही होंगी, और एक्सपेंडिचर वो इंटायरली बिजनेस के लिए होंगे, पर्सनल नहीं होंगे, इम्बेजल वगैरह नहीं हुए होंगे। यहाँ पे वो बताएगा एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज किए गए हैं, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, मिस यूज नहीं हुआ, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, और ज़कात भी निकाल ली गई है। इन पॉइंट्स के बाद ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो बना देगा आपको क्लीन रिपोर्ट। ये है उसका स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है भाई? सैंपल फाइनेंशियल सॉरी अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का। अब ये देखें, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर, वी हैव ऑडिटेड द अनएक्साइज बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी ऑन द डेटेड डेज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इन द इक्वालिटी इक्विटी कैश फ्लोज टुगेदर विद द नोट्स फॉर्मिंग देयर ऑफ फॉर द ईयर दिस वी ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड बिलीव नेसेसरी फॉर ऑडिट। ठीक है, अब वो बता रहे आगे, हमने ऑडिट कंडक्ट किया एप्लीकेबल इन पाकिस्तान लॉ के मुताबिक, और हम बिलीव कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन केप्ट। कंपनी ने देखें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए ऑर्डिनेंस के मुताबिक, बैलेंस शीट जो प्रॉफिट एंड लॉस थे और नोट्स वगैरह जो इनको थे वो कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक थे, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो अग्री कर रही थी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। जो पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये बिल्कुल वही पॉइंट यहाँ पे इसने लिख दिए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये वही वाला है सिर्फ एक्सपेंसिस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, और ये वाला भी एक्सपेंसिस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, इसी तरह इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस वो भी, और आखिर में वो ये कह रहा है कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लोज वगैरह ये ट्रू एंड फेयर है, और हमने ज़कात भी डिडक्ट कर लिया। यही वाले पॉइंट यहाँ पे उसने हेडिंग के बगैर आप लिख सकते हैं बीच में कुछ रेंडमली। ठीक है भाई, एक्स वाई जी ऑडिटर के साइन एंड दैट्स इट। इसके साथ आपका ये पॉइंट खत्म हो गया। इफ़ यू नीड एनी एम्बिग्यूटी, इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्यूटी, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी डिस्क्रिपेंसीज, यू कैन डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी वेल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।